हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं उशरफ। दोस्तों, और आज की इस वीडियो में दोस्तों, आप सभी की डिमांड पे और आप सभी के कमेंट्स पे, यानी आप सभी ने बोला कि भैया यहाँ पे डायनाटोन का जो माइक्रोफोन है वो बहुत ही बेस्ट है। इससे पहले आपने जो वायर वाले माइक्रोफोन दिखाए थे और वायरलेस वाले माइक्रोफोन दिखाए थे, वायरलेस वाले में मैंने एक यहाँ पे जो टाई था वो वाला दिखाया था और एक था जो हमारा हैंड था, तो वो कॉम्बो था। लेकिन यहाँ पे आपकी डिमांड थी कि भैया हमें दोनों हैंड माइक चाहिए, क्वालिटी हो, डायनाटोन की तरफ से आता हो, फ्लैट केस के साथ हो। तो लीजिए दोस्तों, यह आता है हमारा माइक्रोफोन। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे इसकी क्वालिटी कैसी है, कैसे चलाते हैं इसको, टेस्टिंग कैसे रहने वाली है, आउटडोर में टेस्टिंग हम करेंगे और वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, 3 लाख के बहुत करें हमें। तो आप सभी का सपोर्ट अगर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों भी अब यहाँ पे दे सकते हैं माइक्रोफोन की आपको बॉक्स पैकिंग डायनाटोन की। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग DT 5000 इसका जो मॉडल नंबर है वो मेंशन कर रखा है। साइड में भी आपको कोई ज़्यादा डिटेल नहीं देखने को मिलेगी ओवरऑल। और यहाँ पे ये ऊपर एक कवर है तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो सामने की साइड आपको दोस्तों यहाँ पे फिर से डायनाटोन की ब्रांडिंग और साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मॉडल नंबर DT 5000 को। हैंडल ग्रिप जो है वो कैसे देखने को मिलता है, तो ये रबराइज है, यानी इसके नीचे रबड़ लगी हुई हमें देखने को मिल जाती है। और ये लॉक वाला सिस्टम यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लॉक है, इसे मैं अभी बंद कर दे रहा हूँ। तो ये फिलहाल में कुछ ऐसा लॉक वाला सिस्टम आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये साइड एल्यूमिनियम में इसको यूज करा गया है। ये जो मटेरियल है, यानी ये देखिए, स्क्रैचलेस है, कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा, एल्यूमिनियम है। और यहाँ पे ये SS का यूज करा गया है, इससे क्या रहेगा कि दोस्तों इसकी जो लाइफ है वो और बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। चलते हैं दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और क्या क्या हमें इस बॉक्स में देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ से हम ओपन करते हैं इसको और ये कुछ इस टाइप से ओपन होता है। तो सबसे पहले दोस्तों अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये रिसीवर, और ओके ये क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए ऊपर से आपको चैसी देखने को मिल जाता है, तो इसे हम डिटेल में देखेंगे अभी। यहाँ पे ये आपको यूज़र मैनुअल इंस्ट्रक्शंस बुक मिल जाती है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ये ऊपर फॉर्म होगा और कोई ज़्यादा चीज़ें तो मेरे को लग नहीं रही है कि होगा। यहाँ पे हमारे पास 2 माइक्रोफोन हो जाते हैं जिसको हम निकालें, तो यहाँ पे ये माइक्रोफोन्स हो गए, इसको भी अभी हम साइड पर रखते हैं। एक TS-to-TS वायर हो गई जो कि आधा 1 मीटर की होती है। 2 एंटीना हो गए यहाँ पे, और ये एंटीना आप देख सकते हैं। यहाँ पे अडेप्टर हो गया दोस्तों, तो ये आप अडेप्टर को देख सकते हैं, इसको भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये अडेप्टर आ जाता है दोस्तों इसका। यहीं पे दोस्तों अगर हम देखें तो 4 बैटरीज आपको मिल जाती हैं, साथ ही यहाँ पे साइड माउंट के लिए, यानी अगर आप इसको रैक में माउंट करना चाहते हैं तो ये आपके काम आने वाले हैं एंगल। मैं आपको दिखाता हूँ उसको डिटेल में, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों भी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस माइक्रोफोन का रिसीवर, और यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल है वो देखने को मिल जाती है। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको UHF देखने को मिलता है, नहीं इसका मतलब है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये है सेंसर, बेसिकली दोस्तों ये IR सेंसर है जो कि फ्रिक्वेंसी अगर अनमैच होता है या फिर फ्रिक्वेंसी खो जाए या फिर आपका माइक्रोफोन फ्रिक्वेंसी नहीं पकड़ रहा, तो IR सेंसर के द्वारा आप इसको फ्रिक्वेंसी मैच कर सकते हैं। चैनल ए का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, तो ये वॉल्यूम अप एंड डाउन, और यहाँ पे सेट यानी फ्रीक्वेंसी सेट का भी आपको बटन देखने को मिल जाता है। सेम दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये सिग्नल का, यानी ये एक ही IR सेंसर से दोनों ही मैच हो सकते हैं। चैनल बी का डिस्प्ले आ गया दोस्तों, यहाँ पे अब मेंशन आपको देखने को मिल जाता है। जस्ट उसके अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम के अप एंड डाउन बटन आपको देखने को मिल जाते हैं। जस्ट उसके बगल में आप देख सकते हैं ये आता है पावर का बटन, और ये मैं यहाँ से बस एक ही टच में ये ऑन हो जाएगा, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ये ऑन होने के बाद दोस्तों इसके डिस्प्ले में आपको क्या क्या डिटेल है वो देखने को मिल जाती है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बड़े अक्षरों में जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, यानी कौन सी फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है वो आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों ये ऑडियो यानी इसका जो लेवल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको बड़े बड़े अक्षरों में यानी कितने तक जाता है, ये 18 तक इसका वॉल्यूम है। और यहीं पे अगर मैं माइक्रोफोन से अगर बोलूं तो ये वाला जो चैनल है वो आपको देखने को मिल जाता है, 0 dB तक ये जा रहा है पीक पे और यहाँ पे। और यहीं अगर मैं माइक्रोफोन की क्वालिटी को अगर आपको दिखाना चाहूँ तो
यहाँ पे आप ये माइक्रोफोन की क्वालिटी को देख सकते हैं। डायनाटोन की दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से ब्रांडिंग देखने को मिलती है, माइक्रोफोन पे ही आपको मेंशन होता हुआ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको देख सकते हैं ये UHF नीचे की साइड मेंशन कर रखा है, कलर कोडिंग के अंदर यानी ब्लू कलर की कोडिंग में दे रखा है इसको। यहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये आता है डिस्प्ले, यानी लाइट वाली डिस्प्ले है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये आपको डिटेल बढ़िया से दे देगी। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं जो कि आपके रिसीवर में बैटरी तक भी शो करता है, कितनी बैटरी बची है और कितनी खत्म हो रखी है। यहीं पे दोस्तों अगर मैं इसका हेड खोलूं तो यहाँ पे तो गाइज ये आता है हेड की क्वालिटी, और वाकई में काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। इसका जो किट है यानी इसका जो माइक है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पे ये मेटल के अंदर यूज़ करा गया है, तो ये आप देख सकते हैं क्वालिटी अच्छी है दोस्तों ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँ इस माइक्रोफोन की। और यहाँ पे ये हमारे दोनों माइक्रोफोन हैंड माइक्रोफोन आप देख सकते हैं। रिसीवर में से डिटेल आपको दे चुका हूँ, और यहाँ पे अगर मैं दूसरा जैसे सिग्नल मैच नहीं है, हेलो ठीक है ये वाला तो मैच है, हमें अगर हमें दूसरा मैच करना हो तो इस दोस्तों इसका अगर हम मैच करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा आपको IR सेंसर पे लेके जाना है और ये मैच हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही आसान रहता है, यानी मैच करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपली IR से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो अभी ये दोनों हमारे माइक्रोफोन में, यानी अगर मैं इस वाले में बोलूँ तो हेलो, ये आप यहाँ पे लेवल दे सकते हैं। यहीं अगर मैं आपको कैमरा दूसरे वाले में दिखाऊँ, हेलो, तो यहाँ पे आप ये सेकेंड वाले चैनल को देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसके आउटडोर की टेस्टिंग कैसी रहने वाली है, कैसी है क्वालिटी आपको बता दिया है, ये कैसे वर्क करते हैं, बाहर कैसा परफॉर्मेंस करता है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं यहाँ पे आउटडोर के टेस्टिंग की। तो गाइज मैं यहाँ पे आउटडोर में आ चुका हूँ, और जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे हाथ में है माइक, यहाँ पे रिसीवर आप देख सकते हैं रखा हुआ है हमारा। रिसीवर की अगर आप जानकारी देखेंगे तो डिस्प्ले जो है वो विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिल जाती है, जैसे आउटडोर में जाता है ये ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। तो इस चीज़ से काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आउटडोर में आप चाहे धूप हो तेज हो चाहे रात में हो, रात में तो आपको ये LCD जो है वो बैक पैनल लाइट के साथ देखने को मिल जाती है, पूरी कलरफुल LCD है, लेकिन दिन में हो तो यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट है वो है यहाँ पे ये वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। तो इससे जो नंबर होगी विजिबिलिटी होगी वो आपको बिल्कुल साफ नज़र आएगी। यहीं अगर मैं पीछे दिखाने की कोशिश करूँ तो गाइज यहाँ पे जो कनेक्शन है वो मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ। तो सिंपल सी मैंने यहाँ से मिक्स आउट ले रखी है, ट्रिफ मॉनिटर में लगा चुका हूँ, यहीं पर अभी हम टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों वन टच पर ये ऑन हो जाते हैं, आप जैसे कि देख पाएंगे अभी ये मैं यहाँ पे बटन दबाऊंगा तो ये दबाया बटन और ये ऑन हो गया। तो गाइज ये ऑन हो गया, और ये जो ऑडियो है अभी आपको हमारे ये मॉनिटर से मिल पा रही है। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल मतलब फीडबैक का कोई चांस ही नहीं है इसके अंदर। ये देखिए, हेलो 1-2-1 चेक, हेलो 1-2-1 चेक, हेलो 1-2 चेक, हेलो। तो ये गाइज बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि यहाँ पे जो फीडबैक का है वो चांस बिल्कुल नहीं हमें देखने को मिलता है। चलते हैं मैं ये डायरेक्ट आउटपुट आपके कैमरे में डाल के दिखाता हूँ, उसके बाद हम क्वालिटी देखते हैं। तो दोस्तों अभी आपको जो क्वालिटी मिल पा रही है वो इस माइक्रोफोन से मिल पा रही है। आई होप आपको जो क्वालिटी है वो अच्छी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर जूम करके अगर देखेंगे तो आपको जो है वो लेवल बढ़ता हुआ नज़र आएगा। हेलो 1-2 चेक, और यहीं पर दूसरा वाला हेलो 1-2 चेक। वन माइक हो गया हमारा ये, और ये हो गया हमारा 2 माइक। चलते हैं यहाँ पे अभी हम देखते हैं थोड़ा सा दूर जाके देखते हैं ना इसकी जो रेंज है वो हमें कैसी मिलती है। तो हमारे दोस्त ने इसके लिए इंतज़ाम कर रखा है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे चलाना। हेलो चेक, हेलो। तो काफ़ी दूर तक मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको जो ऑडियो है वो अच्छी मिल पा रही होगी, बहुत ही अच्छी मिल पा रही होगी ऑडियो आपको। आई होप आपको हेलो 1-2 चेक, हेलो 1-2 चेक, हेलो। तो क्लियरिटी कैसी है ऑडियो की वो आप ज़रूर नीचे कमेंट बताना। तो ये मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तकरीबन 45-50 मीटर पे मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। चलते हैं थोड़ा सा और दूर, काफ़ी दूर आ चुका हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे। अब ये मेरा ऑलमोस्ट 55-57 मीटर कवर कर चुका हूँ। तो अभी जो क्वालिटी है वो आपको बहुत ही प्यारी मिल पा रही होगी। आई होप आपको क्वालिटी बहुत ही इन्हेंस्ड, और यहाँ पर जो वॉइस की क्लियरिटी है और यहाँ पर जो शार्पनेस है इस माइक्रोफोन का अच्छा सुनने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ 70 मीटर। 1-2 चेक, हेलो हेलो। ये दोस्तों मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ 90-95 मीटर मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। आई होप ये गली ख़त्म हो चुकी है और इससे आगे रोड ठीक नहीं है तो मेरे को वापस आना पड़ रहा है, और कैमरा का जूम इतना है नहीं कि मैं आपको और पीछे तक दिखा पाऊँ। ये है दोस्तों हमारे डायनाटोन की माइक्रोफोन की क्वालिटी DT 5000। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं हमारे DT 5000 माइक्रोफोन की
क्वालिटी को। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं यहाँ पे, मैं आपको इसकी डिटेलिंग दे देता हूँ, प्राइस कहाँ से पता करेंगे वो सारी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों अभी तक आपने यहाँ पे देखी इस माइक्रोफोन की क्वालिटी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वाकई में इसने जो रेंज के साथ जो इसने काम करा है ना, मतलब मेरे को इम्प्रेस कर दिया इसने, मज़ा सा आ गया। बाकी क्वालिटी जो है वो तो अभी आप यहाँ पे सुन ही रहे हैं इस माइक्रोफोन की, और आई होप आपको ये माइक्रोफोन काफ़ी अच्छा लगा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये माइक्रोफोन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। बात करते हैं दोस्तों ये कहाँ से अवेलेबल होगा और क्या रहेगा इसका प्राइस, ये शोर होगा दोस्तों कस्टमर केयर डायनाटोन का, तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसकी प्राइसिंग डिटेल आप ले सकते हैं। साथ ही ये ऑल ओवर इंडिया आपको बाय कोरियर, बाय ट्रांसपोर्ट, बाय किसी से भी आप यहाँ से अवेलेबल करवा सकते हैं। बाय चांस आपके एरिया से अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायनाटोन को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारे आपके लिए उपलब्ध हैं यहाँ पे। बाकी ऑल ओवर इंडिया डायनाटोन के आपके डीलर भी अवेलेबल है। प्राइसिंग डिटेल के फ़ोन करिए, यहाँ पे आपको प्राइस पता लग जाएगी एट द टाइम जो प्राइस चल रही है। बाकी दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, थोड़े से करीब रह गए हैं 3 लाख के, तो सपोर्ट दिखाते हुए, प्यार दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।